सैम पित्रोदा ने फिर छेड़ा नया विवाद, भारतीयों के रंग रूप पर की टिप्पणी, सैम पित्रोदा के बयान से भड़की बीजेपी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा एक बार फिर चर्चा में आ गए। वजह है उनका वो वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी एक साथ रहते हैं। यहाँ पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम भारत में रहने वाले लोग अरब जैसे और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद ये विवादित बयान दिया है। दरअसल पित्रोदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पित्रोदा भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सुना जा सकता है सैम पित्रोदा कहते हैं कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेताओं की तरह और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है जिस पर मेरा भरोसा है, जहां हर किसी का सम्मान है और हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता है। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये वही भारत है जिस पर लोगों ने भरोसा जताया है। हर किसी का यहाँ पर सम्मान भी होता है और हर कोई थोड़ा कुछ तो समझौता कर ही लेता है। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद हंगामा मचना अब शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर पित्रोदा को घेरा भी है। पित्रोदा की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि ये बार बार स्पष्ट हो जाता है कि सैम पित्रोदा भारत के बारे में क्या समझते हैं। ये स्पष्ट है कि वह असफल है, वे देश को नहीं समझते हैं, वे राहुल गांधी के सलाहकार हैं। मैं अब समझ सकता हूँ कि राहुल गांधी बकवास क्यों करते हैं, ये हार की हताशा है। आइए आपको सुनाते हैं रविशंकर प्रसाद का पूरा बयान। अब सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि अगर चुनाव के बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया था, जिसके बाद हंगामा जमकर मचा था और अब इनके नए बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।